नमस्ते दोस्तों, देखिए मैं साइंस सिटी आई हूँ कलकत्ता में। वहाँ बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, बहुत पौधों सजाया गया है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को सारा दिखाऊंगी क्रम से। देखिए ये साइंस सिटी का एकदम नज़ारा है, ये आप लोग देखते चलिए। अभी सब बाहर से दिखा रही हूँ मैं, और बहुत सारे पौधे हैं। टिकट लेकर अंदर घुस गए हम लोग। धूप तो बहुत तेज है, भी बहुत है इसमें। और पौधे तो बहुत ही है, पौधे जो है कि हर जगह डेकोरेट किया गया है पौधों से, क्योंकि ये सजीव होते हैं पौधे, और बहुत ही हवा को प्यूरीफाई करते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे तो पौधे लगे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए पौधे ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप देखेंगे हर जगह पौधे हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। और बच्चे मेरे देखे जा रहे हैं, हाथ अपने पकड़े हुए हैं। वो देखिए जहाज, ट्राली है, ट्राली में जा रहे हैं सब लोग। चलिए एकदम अंधेरा हो गया है गे दोस्तों। अंदर तो अंधेरा रही आई ना, कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी में धूल के पवर्णन से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी करोड़ वर्ष पहले अगर युवती उत्पादन बहु कोशिकीय जीव का जन्म हुआ। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पास की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ नियंत्रित करता। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रकृति में हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेरुदंड पौधों चूहे को देख पाता था। प्राणी उत्तर समाप्त हो गए और उनकी माता ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप चुके और धरती के कोने कोने में
एकाध महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित एवं प्रारंभ में ही कीट पतंगों के साथ प्लास्टिक का है ना बेटा, वे तेजी से धरती पर बढ़ गए। इसी समय सन मशीन से चल रहा है, डायनासोर में सबसे पहले भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी देखिए ये शीशा है तिकोना, उसी में अपना चेहरा देख रहे हैं कैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेशनल मिरर, कई मतलब चित्र है अपना ही कई ठो दिखाई दे रहा है अलग अलग यहाँ पे। और ही खड़े हो जाएंगे तो आपका कई मतलब चेहरा दिखाई देगा। ये देखिए ये उल्टा दिखा रहा है खड़ा होने पर, जैसे लग रहा है कि उसमें लटके हुए हैं हम, वैसा मिरर है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये अलग अलग तरीके का मिरर यहाँ पे सेट है। देखिए फन मिरर है, फन मिरर। अभी एकदम हम छोटे दिखाई दे रहे हैं छोटे से। इसमें और ही छोटे और मोटे अलग अलग तरीके का है। ये मोशन है स्पैन स्लाइडर। वाटर ड्रॉप्स, इसमें पानी मतलब बहुत करके गिर रहा है इसमें। ये कलकत्ता का साइंस सिटी है।